हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पनीशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. आई एम श्वेता. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया. सो क्या करने वाले हैं, ये जो होता है आपका 50 टॉपिक्स का जो स्टैटिक जीके का कोर्स लॉन्च हुआ था उसमें ये हो जाता टॉपिक नंबर कौन सा 2. सो टॉपिक 1 में हमने किया था निकनेम्स ऑफ सिटीज़. होप वो वीडियो आपने देख लिया होगा. नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बना है, जाके चेकआउट कर लीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते. इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. सो एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो चैनल में कभी भी नया वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है. समझ रहे हो ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम ये वाले वीडियो में. सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नेशनल हाईवेज़ की रोडवेज़ की नेशनल हाईवेज़ पढ़ने वाले हैं और नेशनल हाईवे वाटरवेज़ भी पढ़ने वाले हैं, इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स पढ़ने वाले हैं. क्या करने वाले हैं, ये जो बहुत लंबा जाएगा अभी ये चार जो है हम एक ही साथ पढ़ ले तो बहुत लंबा हो जाता, तो हम क्या करते हैं ये दोनों जो है ये वाला एंड ये वाला हम पार्ट 1 में कर लेते हैं और ये वाला एंड ये वाला हम क्या करते हैं पार्ट 2 में कर लेते हैं, राइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपको ना पीडीएफ के बारे में इश्यू आ रहा था, पीडीएफ होना बोले तो आपको क्या करना है, 15 लाइक कर दीजिए, 15 कमेंट कर दीजिए. अगर 15 कमेंट भी नहीं आते तो पीडीएफ इतना मेहनत से बनाओ, इतना एरर फ्री कंटेंट है देने का कोई मतलब नहीं है अगर 15 लोग भी नहीं चाहते हैं कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ. सो आपको क्या करना है, 15 लाइक एंड 15 कमेंट कर दे तो आपको फ्री में मिल जाता है. बहुत ही मैं ये पेड तो बिल्कुल नहीं है, बहुत फ्री में मिल जाता है. सारे पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, बस आपको क्या करना है 15 लाइक एंड 15 कमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे देखो नेशनल हाईवेज है रोडवेज के बारे में पहले हम क्या करते हैं थोड़ा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में, राइट. सो यहाँ पे देखो हमारा जो रोडवेज है वो क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, राइट. तो कितना किलोमीटर्स का है हमारा जो रोडवेज है, 4.87 मिलियन किलोमीटर्स का है, हाँ कि नहीं. और नेशनल हाईवेज कितने किलोमीटर्स के है, 97,135 किलोमीटर्स है हमारे जो नेशनल हाईवेज है, राइट. जो हमारा रोडवेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हाँ कि नहीं. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सो यहाँ पे देखो ये रोडवेज़ के बारे में कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अभी इनको पैसे कहाँ से आते हैं, इट इज़ फंडेड बाय सेस ऑन पेट्रोल. सेस का मतलब यहाँ पे क्या होती है, सेस का मतलब वो होती है कि टैक्स के ऊपर अगेन टैक्स को बोलते हैं सेस, समझ रहे हो ना. अभी यूपी उत्तर प्रदेश की है ना लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज है, समझ रहे हो ना. सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है. सो यहाँ पे देखो नॉर्थ एंड साउथ हाईवेज है ना उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इवन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. सो ईस्ट एंड वेस्ट नेशनल हाईवेज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑड नंबर से, हाँ कि नहीं. अभी जो हमारा ये है ना नेशनल हाईवे की अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो कब चेंज किया गया, एक्चुअली इनका जो ना नेशनल हाईवे की नंबर पहले अलग था, अभी रिसेंटली वो चेंज हुआ था. कब चेंज हुआ था, 2010 28 अप्रैल को जो है चेंज हुआ था. अभी हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, यहाँ पे नेशनल हाईवे 44 जो है आपका लॉन्गेस्ट हो जाता जो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है, हाँ कि नहीं. अभी स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाता, आपका NH 47 को अर्लियर बोला जाता था, अभी कौन सा है NH 966B जो है आपका स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे हो जाएगा, हाँ कि नहीं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. अभी देखो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है आपका एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था, राइट. तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे देखो नेशनल हाईवेज, यहाँ पे नेशनल हाईवेज जो है 2% है पूरा रोड, नेशनल हाईवेज पूरा रोड, ये इंडिया है, इंडिया के जो 2% जो है वो हो जाते हैं नेशनल हाईवेज. एंड ये नेशनल हाईवेज के ऊपर ही 40% जो है ट्रैफिक देखने के लिए मिलती है, राइट. अभी रोड ट्रांसपोर्टेशन में पूरा 80% जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन में है, हाँ. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे फर्स्ट नेशनल हाईवे आ गया हमारा जो है कौन सा है, हमारा लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इंडिया का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे नेशनल हाईवे 44 हो जाता है. वो कहाँ से है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी जो है,
और इसको पहले नेशनल 44 नहीं बोला जाता, पहले 2010 से पहले इसको NH7 जो है बोला जाता था, इसका नाम ये था, राइट। इसकी जो लेंथ है ना वो है 3745 किलोमीटर्स की है। ये पूरा कहाँ से है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी तक पूरा 3745 किलोमीटर्स का था, और ये कनेक्ट करता है 11 स्टेट्स एंड 30 सिटीज को जो है कनेक्ट करते हुए चलती है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हाईवे हो जाता है नेशनल हाईवे 27, जो कहाँ से कहाँ तक है, पोरबंदर से गुजरात टू सिलचर असम तक है। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हो जाता है, हाँ कि नहीं। अभी इसकी जो लेंथ था ना वो था, वो है एक्चुअली था नहीं, 3507 किलोमीटर्स की इसकी जो है लेंथ हो जाएगा। और ना ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो है रोड है ऐसा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, राइट, ईस्ट एंड वेस्ट को कनेक्ट करती है, और ये जो कनेक्ट करती है 7 स्टेट्स को कनेक्ट करती है और 47 सिटीज को कनेक्ट करते हुए चलती है, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा हम नेशनल हाईवे 48। इसको प्रीवियसली ना क्या बोला जाता था, इसका दूसरा नाम था वो है NH4 बोला जाता था बिफोर 2010 में इसके नेम्स चेंज हो गए थे, NH4 एंड NH8 था, यानी ये अलग था। अभी इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, नेशनल हाईवे 48 बन गया। ये कहाँ से है, दिल्ली टू चेन्नई तक है, समझ रहे हो ना। और इसकी जो लेंथ हो जाता है कितना है, 2807 किलोमीटर्स की इसकी जो है लेंथ है, समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ जाता है नेशनल हाईवे 52। ये कहाँ से कहाँ तक है, सांगरूर पंजाब टू अनकोला कर्नाटका तक है, हाँ कि नहीं। सो इसकी जो लेंथ हो जाएगा वो क्या है, 452 किलोमीटर्स की जो है ये है इसकी लेंथ, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है 2317 जो है इसकी हो जाती है लेंथ। और ये जो कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे 7 को भी कनेक्ट करती है और नेशनल हाईवे 66 को भी कनेक्ट करती है, समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेशनल हाईवे। एंड आपको ना सारे नेशनल हाईवेज ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, ओनली इम्पॉर्टेंट जिसका चेंज हुआ है वो ही पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में, समझो इसको, राइट। तो चलिए यहाँ पे नेशनल हाईवे 30 है, वो कहाँ से कहाँ तक है, सितरागंज उत्तराखंड टू इब्राहिमपट्टनम तेलंगाना तक है, राइट। और इसको प्रीवियसली क्या नाम था, इसका NH221 बोला जाता है इसको पहले, अभी तो नेशनल हाईवे 30 बोला जाता था, पहले नेशनल हाईवे 221 बोला जाता था। अभी इसकी जो लेंथ है वो है 2040 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ हो जाता है, और ये कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे 9 एंड 65 नेशनल हाईवे इससे कनेक्ट होके जाते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हाईवे। यहाँ पे नेशनल हाईवे 6 आ जाता है, जो जराबाद मेघालय टू सैलिंग मिजोरम तक है, हाँ कि नहीं। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ है 1873, यानी 1873 किलोमीटर्स की इसकी जो है लेंथ है, हाँ कि नहीं। ये जो कितने स्टेट्स को कनेक्ट करता है, वो है 3 स्टेट्स ओनली को कनेक्ट करता है, बट ये जो नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करके जाता है, बहुत सारे नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करके जाता है, नेशनल हाईवे 44 को कनेक्ट करता है, यहाँ पे 37 को भी कनेक्ट करके जाता है, नेशनल हाईवे 2 को कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 54 को भी कनेक्ट करता है और 53 को भी कनेक्ट करता है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेशनल हाईवे। यहाँ पे नेक्स्ट नेशनल हाईवे हो जाता है नेशनल हाईवे 16, और ये जो है पहले इसको क्या नाम था, नेशनल हाईवे 5 बोला जाता था इसको पहले, राइट, अभी क्या बोला जाता है, नेशनल हाईवे 16 बोला जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो है 1711 किलोमीटर्स, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेशनल हाईवे। यहाँ पे नेक्स्ट नेशनल हाईवे हो जाएगा नेशनल हाईवे क्या 66। इसको पहले क्या बोला जाता था, नेशनल हाईवे जो है NH17 बोला जाता था इसको, हाँ कि नहीं। ये कहाँ से कहाँ तक है, पनवेल महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाता है, 1622 किलोमीटर्स की इसकी जो है
लेंथ है किलोमीटर्स, अभी ये जो है 5 स्टेट्स को कनेक्ट होते हुए चलती है, राइट। सो अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे हमारा हो जाता है नेशनल हाईवे 19 है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, दिल्ली से लेके कोलकाता तक जाती है, और इसकी पहले का नाम क्या था, NH2 जो है पहले इसको बोला जाता था। अभी इसकी लेंथ कितना है, 1435 किलोमीटर्स की इसकी लेंथ है, और ये कितने स्टेट्स को कनेक्ट करती है, 6 स्टेट्स को जो है ये कनेक्ट करते हुए चलती है, राइट। सो अभी इससे क्या होता है, हमारा जो रोडवेज है, रोडवेज में हमारे जो नेशनल हाईवेज है वो आपकी एग्जामिनेशंस में पूछने की चांस है, तो उसको पढ़ लिया हमने, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ओनली 9 पढ़ लिया, यही आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, इसके अलावा पूछने की कोई चांस है, इसको कोई चांस नहीं है। सो आपको ये सारे 9 पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं नेशनल हाईवे की वाटरवेज पढ़ते हैं अभी। अभी वाटरवेज इसके बारे में थोड़ा जानते हैं वाटरवेज। सो यहाँ पे देखो, इंडिया को कितने हैं, 14,500 किलोमीटर्स की जो है वाटरवे हमारा, और 1% जो है ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, राइट। अभी इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ये जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो यहाँ पे देखो, इंडियन इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन October 27, 1986। सो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अभी, तो अभी इसका 14,500 किलोमीटर्स की है, राइट। इसकी जो हेड ऑफिस कहाँ पे, नोएडा में है, राइट। सो अभी हमारा नेशनल हाईवे 1 देखते हैं, अभी हमारा नेशनल हाईवे 1 वाटरवे की कहाँ से कहाँ तक है। अभी अलाहाबाद टू हल्दिया जो है ये वाला है, कितना किलोमीटर्स है, 1,620 किलोमीटर्स, ये जो है गंगा रिवर में है, हाँ कि नहीं। अभी कितने सारे स्टेट्स को पास करती है, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल को जाते हुए, टच करते हुए चलता है ये, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखो नेशनल वाटरवे 2 है, यहाँ कहाँ से कहाँ तक है, ये है सदिया से दिब्रुए है, और ये कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 3 देखो, कोलम से लेके कोटापुरम तक है, ये कहाँ पे है, ये देखो वेस्ट कोस्ट कैनाल के ऊपर है, और चंपाकर कैनाल पे एंड उद्यागंडल कैनाल के कहाँ पे है, केरला में है, समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेशनल हाईवे 4 है, कहाँ से कहाँ तक है, पुडुचेरी से लेके काकीनाडा तक है, और कौन से रिवर पे है, दोनों रिवर पे है, गोदावरी एंड कृष्णा के ऊपर है। अभी नेशनल हाईवे 5 देखते हैं, तलचर से लेके दरमा तक है, और ब्रह्मणी रिवर के ऊपर ये जो है आपका है कौन सा, नेशनल वाटरवे 5। सो हमारे जो नेशनल वाटरवेज है वो है ओनली 5 नेशनल वाटरवेज है, हमको बहुत सारे हैं बट ये आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती है, राइट। इससे हमारा जो है सेशन एंड हो जाती है, एंड कल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। एयरपोर्ट्स पढ़ते हैं, और हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, ये मैंने बहुत अच्छे से कराया है आपके आने वाले जो, यहाँ तक देखो ओनली 24 पेजेस का हुआ है, और बाकी जो पेजेस हैं हम कल करने वाले हैं, और क्या क्या करते हैं, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स के बारे में करने वाले हैं, राइट। विद दिस आई रैप अप, आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय।